हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। बच्चे बहुत अभी प्रेशर में है कि सर मेरी अभी तक अच्छी पढ़ाई नहीं हो चुकी है। कुछ बच्चे कर रहे हैं लेकिन उनका जो करने का तरीका है थोड़ा सा स्लो है, वो उतना कैचअप नहीं कर पा रहे। तो ऐसे समय पे कुछ गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को, इसलिए मैंने बैकलॉग कैसे कवर करें बहुत इंपॉर्टेंट, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करने का कोई फंडा बता दो। अब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं फिजिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँगा, लेकिन आप लोग बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ये फॉलो कर सकते, ऐसा कुछ है ना, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो क्या क्या होगा सर, कैसे होगा, थोड़ा सा गाइडेंस होना हमको बहुत मांगता है सर, कुछ तो करो। तो देखो बच्चों, मैं बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस खुद के अंदर एक एनर्जी भरे रहो। होता क्या, बच्चे कुछ घंटे पढ़ाई करते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं ना कहीं टाइम पास बहुत वेस्टेज होता है, तो उस टाइम टेबल को मैनेज करना आना चाहिए। एक बार फिक्स करो कि कोई भी हालत में भाई मुझे 15-16 घंटे करना है पढ़ाई, लेकिन क्या 16 घंटे में से 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, कभी रील कर रहे हो, कभी इंस्टाग्राम कर रहे हो, कुछ ना कुछ चालू है। भाई कंट्रोल करना आना चाहिए तो ही सक्सेस होगे। तो बच्चों अगर आप 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो क्या करना चाहिए? एक नंबर सिनॉप्सिस करना चाहिए, या मैं सीधी बात बताऊंगा, फार्मूले ज़्यादा से ज़्यादा करो। और फार्मूले करने के बाद मैं आपको हेवी सजेशन करना चाहता हूँ, इस समय पे ओनली 2023 के एमसीक्यूज करो, बस फिलहाल के लिए। स्पीड पकड़ना है तो स्पीड पकड़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो 2023 के पीवाई क्विज करो, मिनिमम टू मिनिमम। अगर आपका अच्छा खासा स्कोर बढ़ाना है, बैकलॉग को कवर करना है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी मालूमत के लिए, फिजिक्स आप खत्म होते होते आ रहा है, लेकिन भाई मेरे साथ नहीं चल रहा, मेरे समझो फॉर एग्जांपल टोटल जो चैप्टर है समझो 24 चैप्टर है, और मेरे चैप्टर हो रहे समझो 16-17 चैप्टर हो चुके हैं सर, और मेरे चल रहे हैं स्टूडेंट के चल रहे हैं समझो फिलहाल में 4-5, तो बहुत पीछे। तो क्या करो, फार्मूला करो, 2023 के PYQ करो। 2023 के PYQ ऐसे है, हर क्वेश्चंस को कवर किया, हर फार्मूले को कवर किया, वो फार्मूला जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे उस फार्मूले को अच्छे समझ लो, नॉलेज गेन करो। उस समय ये चीज़ें जब करोगे, अगर नहीं हो रहा है तो भाई आपको क्या करना है, फार्मूले नहीं हो रहे तो दूसरी चीज़ आप LMR सीरीज, लास्ट मंथ रिविजन सीरीज बोलते हैं, या वन शॉट बोल सकते हैं, वन शॉट लगा के देख सकते हो भाई। तो इस तरीके से चीज़ें करने से भी आपका टाइम बच जाएगा, है ना। थोड़े से स्पीड देखो बढ़ा के, 1.5x की स्पीड बढ़ा के देखो LMR सीरीज को। बहुत लंबा वीडियो मत देखो, शॉर्ट वीडियो देखो, मतलब थोड़ा सा और टाइम बच जाएगा। तो ये चीज़ें आपको 2023 के कोई भी हालत में PYQ करने से भी, मैं बताऊंगा बच्चों 2023 के PYQ करोगे तो मुझे लगता है कि एक चैप्टर को लगभग 50-60 क्वेश्चन। अब देखो कभी कभी कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं, सर एग्जांपल सेमीकंडक्टर 11 का, कुछ नहीं भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे में ख़त्म करोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11 का 20 क्वेश्चन से एक घंटे में करूंगे। मैग्नेटिक मटेरियल 17 क्वेश्चन है 2023 के, 17 ओनली, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दिए गए हैं तो कवर कर सकते हैं घंटे में। सेमीकंडक्टर 12 का कुछ नहीं भाई, 1.5-2 घंटे में कर सकते हो। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए दिमाग में। अगर वो करोगे तो मैं गारंटी दूंगा बच्चों कि अपना बैकलॉग क्लियर इसी हिसाब से कर सकते हो। और कभी कभी कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है तो वो भी बताऊंगा, बैकलॉग कवर करना है सर। अब किसी बच्चे का एक डिसाइड करो कि भाई ये छोटे छोटे चैप्टर है फटाक से निपटा देता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है आदमी का। जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को कि बैकलॉग कवर करना है, अच्छा सर मैं पहले मैग्नेटिक मटेरियल करूँ, मैं बताता हूँ अगर ये बाकी है तो। मैग्नेटिक मटेरियल क्यों, 2023 के क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आप लोगों को, 17 MCQs है 2023 के, और सिनॉप्सिस भी एक ही सेशन में मैंने ख़त्म किया है, ठीक है ना। ये करो, मैग्नेटिक मटेरियल कर सकते। नंबर दो पे सेमीकंडक्टर 11 की बात करो बेटा, सेमीकंडक्टर करो, है ना। सेमीकंडक्टर थ्योरी क्वेश्चन से ओरली निकाल सकते हो, एक घंटे के अंदर के चैप्टर बता रहा हूँ बच्चों, बैकलॉग कवर करने का तरीका बता रहा हूँ। 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत कम समय में करोगे, एक घंटे के अंदर चैप्टर, है ना। चौथा है सेमीकंडक्टर डिवाइस 12 का बेटा, ये सेमीकंडक्टर है ना डिवाइस, ये करो। तो ये 1.5-2 घंटे लगेंगे,
लेकिन मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने यहाँ पे स्पीड बढ़ा के देखते हो तो 1 आर, ये 1 आर का चैप्टर हो गया, ये 1 आर का चैप्टर हो गया, ये 2 आर पकड़ाओ, नहीं है लेकिन पकड़ाओ, 1, 2, 3, 4, 5 पाँच घंटे में हमारे 4 चैप्टर कवर हो रहे, तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि नहीं होगा? क्या बैकलॉग जल्दी से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप समझ रहे हो ना, साउंड नाम का चैप्टर जल्दी कर सकते हैं, कर लो भाई, कर लो। अब बड़े चैप्टर है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कम समय में कर सकते हो। कौन कौन से कर सकते हो सर? मेरे हिसाब, देखो ये मेरा मतलब KTG चैप्टर मुझे लगता है कि ईजी है, जल्दी से हो सकता है, KTG कवर कर सकता हूँ मैं जल्दी से, मेरे हिसाब से। हाँ, नंबर दो, दूसरा है EMI, और तीसरा है AC सर्किट, मुझे ये ईजी लगते, शायद आपको हार्ड टफ लग सकते। ड्यूअल नेचर ये करो, है ना, ड्यूअल नेचर है बेटा, जल्दी हो सकता ये मेरे हिसाब से। तो इसको कितना देना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे, 2 आर, इसको भी मेरे हिसाब से 2.5 लेता हूँ, चलो ठीक है, इसको 2.5 घंटे दे सकता हूँ, थोड़ा सा प्लान करो, इसको 2 आर दे सकता हूँ, 5 और ये 9 घंटा, 9 घंटे में ये चैप्टर, और वो कितने हो गए थे भाई, 5 घंटा था क्या, यस 5, है ना, इसमें 5 घंटे देना था मुझे, 5, अगर 14 घंटे, 14 या 15 पकड़ता हूँ, चलो 1 घंटा आपको ब्रेक, एक दिन में आप लोग 8 चैप्टर कर सकते हो, क्यों नहीं बैकलॉग कवर होगा, मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ मुकेश सर आपने बोला कि ये कमेंट नहीं होगा, नहीं बेटा, उसके लिए थोड़ा सा तह दिल से, थोड़ा सा अंदर की एनर्जी को जागरूक करते हुए करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक दिन फुल डे मैं 8 चैप्टर कवर करने का अगर मैं फंडा बता सकता हूँ, तो भाई आपका बैकलॉग क्या चीज है यार, ये हट जाएगा, उम्मीद कर रहा हूँ, सही में बता रहा हूँ। अगर जो बच्चे चाहते कि नहीं सर हम लोग यूट्यूब पे, तो अभी भी इस क्रैश कोर्स में आ जाओ, ये करके दिया है मैंने अभी भी सर, कुछ भी सर, आज तारीख कितनी है सर, आज तारीख 10 तारीख है सर, भाई 10 तारीख है तो शायद तेरा पेपर 10 तारीख को भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपके 2 मई से पेपर चालू हो रहा है, 5 मई को नीट की एग्जाम है, शायद हो सकता है कि आपको 20-25 दिन मिले, 25 दिन में ये पूरा कवर कर सकता है, 2023 में क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट में भी आ सकते हैं। तो चलो बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आपको मेरे तरफ से इस लेवल पर पढ़ाई करोगे तो आपका बैकलॉग यू चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। चलो बाय, जय हिंद, जय भारत।